दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो चुकी है और हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, हर फील्ड में वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि भारत सरकार ने 49 एप्लीकेशन को बैन करके चाइना को अच्छा सबक सिखाया, ठीक उसी तरह मेट्रो में भाग लेने वाली चाइना की कंपनी CRRC को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। वो भी टेक्निकली अनक्वालिफाइड बोल के इस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वीडियो में आगे और भी डिटेल जानेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गुजरात के वडोदरा बम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि UPMRC उत्तर प्रदेश द्वारा 2051 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कि आगरा से कानपुर के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए था, जो कि 30 किलोमीटर आगरा मेट्रो और 32 किलोमीटर कानपुर मेट्रो के लिए था। तो बम्बार्डियर के द्वारा कुल 67 यानी कि 67 ट्रेनों का निर्माण करना था, जिसमें CRRC, BEML, लिस्ट्रोम और बम्बार्डियर इन सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और इस प्रोजेक्ट को 2019 में पास किया गया था। अब क्या किया गया है, जो CRRC कंपनी है उसको टेक्निकली अनक्वालिफाइड बोल के बाहर कर दिया गया है। ये चाइना के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि CRRC कंपनी को टेक्निकली अनक्वालिफाइड बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के अंदर अपने मेट्रो सप्लाई करती है, वो भी सक्सेसफुली चलते भी हैं। लेकिन हमारा इंडिया तो इंडिया है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मेक इन इंडिया भारत के सपनों में एक पंख खड़ा होगा। और इसी के तहत बम्बार्डियर मेट्रो और कंप्यूटर कारों, रेल उपकरण, सिग्नलिंग सिस्टम और सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय ग्राहकों के लिए रेल समाधान का व्यापक बनाने के लिए भारत द्वारा चुन लिया गया है, जो कि एकमात्र आपूर्तिकर्ता बन जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो को लेकर के कोई मन में सवाल है, सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं।